G20 समिट के लिए भारत में मंच सज चुका है। नई दिल्ली G20 में शामिल दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत करने के लिए तैयार है। 9 से 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने आधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में होगी। दुनिया के 20 देशों के नेता 7 सितंबर से 3 दिनों के लिए दिल्ली में होंगे और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे, विकास समेत तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन नेताओं के स्वागत के लिए पूरी दिल्ली को सजाया गया है। सुरक्षा से लेकर यातायात और इमरजेंसी हालातों से निपटने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। दिल्ली की सड़कों को पेंटिंग, प्रतिमाओं और फुवारों और पौधों से सजाया गया है। G20 की अध्यक्षता भारत के पास होना ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है और हम सबको यह प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की साख दिन पर दिन दुनिया के वैश्विक मंचों पर बढ़ती जा रही है। इसी बीच में G20 यहाँ हो रहा है। G20 की लगभग 48-49 बैठकें अभी तक देश में 50 स्थानों पर हो चुकी हैं। अब राष्ट्राध्यक्षों की बैठक संपन्न होने वाली है। सभी राष्ट्राध्यक्षों का हिंदुस्तान आना और G20 में भाग लेना ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा अवसर है। जी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए नाइजीरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि वे भविष्य में भारत के साथ सहयोग के लिए इच्छुक हैं। हमने हमेशा भारत के साथ कैलिब्रेट किया है। व्यापार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। वंडरफुल, वी लुक फॉरवर्ड टू इट, वी लुक फॉरवर्ड टू फ्यूचर कोलैबोरेशन, क्लोजर कोलैबोरेशन। वी हैव ऑलवेज कोलैबोरेटेड विद इंडिया, going back to the non-aligned movement, struggle for independence, liberation of African countries, so closer ties and of course lots of opportunities for business. And G20 we look forward to joining in good time, and Nigeria is on the table, wants to be part of the decision making process globally. बता दें कि 8, 9 और 10 सितंबर को सिर्फ नई दिल्ली एरिया कंट्रोल जोन है। यहाँ आम ट्रैफिक नहीं चलेगा, लेकिन इमरजेंसी सेवा में लगे लोग या अस्पताल जाने वाले लोगों को आने जाने की इजाज़त होगी। नई दिल्ली एरिया को कंट्रोल जोन में रखा गया है, इसलिए सभी स्कूल, दफ्तर के साथ साथ नई दिल्ली जिले के तहत आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों को भी बंद रखा जाएगा और पुलिस द्वारा पहले से ही चिन्हित दुकानों और व्यावसायिक जगह भी बंद रहेगी। हालांकि सभी आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। नई दिल्ली में मौजूद प्राइवेट ऑफिस भी इन दिनों बंद रहेंगे। वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज़ टीवी फॉर मोर सच अपडेट्स।